गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल ट्रैवलिंग कैनेडियन। तो गाइज, आज की जो मैं वीडियो बना रहा हूँ, मैं उन लोगों के लिए बना रहा हूँ जो लोग जैसे इंडिया में हैं और वो कनाडा आना चाहते हैं, या जो लोग ऑस्ट्रेलिया में हैं, या वर्ल्ड में कहीं पे भी हैं, है ना, अपने लोग, और वो कनाडा आना चाहते हैं पर वो यूट्यूब पे ऐसी वीडियो देखते हैं। कुछ लोग बोलते हैं कि कनाडा मत जाओ, कनाडा में ठंड बहुत है, ऐसे वेदर बहुत ख़राब है, बहुत स्नो पड़ती रहती है, ये है वो है ना, आपको मतलब लोग डराते रहते हैं। तो आपको मैं बता देता हूँ कि हमारे हरियाणा और पंजाब, वहाँ पे गर्मी अच्छी खासी पड़ती है ना, और यहाँ पे ज़्यादा पॉपुलेशन पंजाब की ही है, ठीक है। वो लोग यहाँ 100 साल से लोग यहाँ पे रह रहे हैं, है ना, तीसरी जनरेशन चल रही है, तो उनको कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आई ठंड से, ठीक है। तो यहाँ पे इतनी दुनिया हमारे इंडियंस रहते हैं, यहाँ पे किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं ठंड से, ठीक है। इंडिया से आप जो लोग आते हैं उनको वैसे ही डराते रहते हैं यूट्यूबर कि यार कनाडा में अब कोई फ़ायदा नहीं, इतनी ठंड होती है, स्नो पड़ती है ना। तो ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ, ठीक है, आज बीसी में मतलब इससे ख़राब वेदर कभी हो नहीं सकता, हुआ नहीं मेरे सामने 9-10 साल में जितना आज वेदर ख़राब है, ठीक है। आज इतनी ज़्यादा ठंड है, -10-11 डिग्री टेम्परेचर तक चला गया था, ठीक है, और स्नो भी बहुत पड़ रही थी बाहर, ठीक है, और सड़कों पे भी जमी पड़ी है, ब्लैक आइस भी जमी पड़ी है, सब कुछ हो रहा है ना। पर फिर भी आज मैं एक नॉर्मल डे की तरह आपको जो भी हमारा डेली रूटीन के काम होते हैं, जैसे कि बच्चों के साथ बाहर जाना, शॉपिंग करना, ठीक है, गाड़ी के ऊपर से स्नो हटाना, बाहर शेवल करना, ठीक है, बैक साइड साफ़ करना, फ्रंट साइड घर का साफ़ करना, है ना, एक नॉर्मल मैं काम आपको करके दिखाऊंगा और बच्चे मेरे साथ होंगे, ठीक है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको मैं बता देता हूँ, सिर्फ 3 मंथ आप मान के चले। अब अगर आप बीसी में आ रहे हैं तो दिसंबर, जनवरी और फरवरी, सिर्फ 3 मंथ स्नो, और इन 3 महीनों में आप फुल इंजॉय करोगे स्नो का। खासकर हमारे इंडियन तो स्नो का बहुत मतलब इंजॉय करते हैं, वो तो वेट करते रहते हैं कब स्नो पड़ेगी, है ना, हमें भी रहता है, अभी 10 साल हो गए तब भी हमें स्नो अच्छी लगती है। और अगर आप कनाडा के किसी और पार्ट में रहते हैं, ओंटारियो में रहते हैं, या आप इधर सस्केचुअन में रहते हैं, मैनिटोबा, या किसी भी प्रोवेंस में आप कनाडा में रहते हो, अल्बर्टा में रहते हैं, क्यूबेक में रहते हैं, है ना, तो वहाँ पे क्या है कि यहाँ पे 3 मंथ स्नो पड़ती है, वहाँ पे आप लगा दो 4.5-5 मंथ, ठीक है। जैसे वहाँ पे नवंबर में स्टार्ट हो जाती है, यहाँ दिसंबर में स्टार्ट होती है, वहाँ नवंबर से ले कर और वहाँ पड़ती है फरवरी मार्च तक, है ना, कहीं बहुत कम चांसेज होते हैं कि अप्रैल में पड़ जाती है, वैसे मार्च तक ही पड़ती है। मतलब आप देखो कि नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 5 मंथ वहाँ, ठीक है, मार्च बहुत कम होता है, चलो फिर भी आप लगाओ, और ऑल ओवर कनाडा में 5 मंथ, और इन बीसी जस्ट 3 मंथ, ठीक है। और कई बार तो बीसी में 3 मंथ भी नहीं पड़ती, 2 मंथ ही पड़ती है, क्योंकि दिसंबर फरवरी में कई बार 10-12 फरवरी के बाद क्लियर हो जाता है, ठीक है। तो आपने मेरे व्लॉग देखे ही है कि कितना अच्छा वेदर रहता है, और जो कैलगरी है और टोरंटो है ना, और जितने भी सिटी हैं कनाडा के, सब में मतलब मार्च के बाद इतना मस्त वेदर हो जाता है कि गर्मी नहीं होती बिल्कुल भी, और ना ही सर्दी होती है, मतलब इतना बढ़िया वेदर होता है कि जैसे ज़्यादातर आपको टेम्परेचर मिलेगा 20 से 30 के बीच में, ठीक है, कोई दिन होता है जिस दिन 35, 36, 37 होता है, नहीं तो 20 और 30 के बीच में टेम्परेचर रहता है। आप ट्रैवलिंग करना है, कहीं पिकनिक करना है, कहीं जाना है, ट्रैवलिंग पूरे कनाडा में जहाँ मर्जी जाओ, है ना, तो एक बहुत अच्छा फन होता है, और साथ ही साथ, ठीक है, बहुत पीसफुल लाइफ है यहाँ की। कुछ यूट्यूबर बोल रहे हैं कि भाई यहाँ पे तो क्राइम रेट बढ़ता जा रहा है, ये हो रहा है, यार पूरे कनाडा में अगर कहीं पे एक भी कोई क्राइम होता है, जैसे सिर्फ सिंगल क्राइम होता है कहीं पे, है ना, पूरे कनाडा में, तो वो लाइट में आ जाता है, क्योंकि यहाँ पे क्राइम होते नहीं, है ना, तो जो एक कहीं पे होता है, किसी ने किसी के साथ लड़ लिया है, किसी ने किसी को लड़ाई करके मार दिया, कुछ भी हो गया, ठीक है, तो वो पूरी सोशल मीडिया पे फैलता होगा, वो कनाडा सेफ़ नहीं रहा, ऐसा कुछ नहीं है, कनाडा आज भी उतना ही सेफ़ है, ठीक है। अगर मैं किसी के साथ बाहर जाके लड़ता हूँ, ठीक है, तो इसका यह मतलब है कि कनाडा सेफ़ नहीं है, है ना, किसी न किसी वजह से लड़ते हैं, और ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। तो गाइस, आज भी अगर आप कनाडा आना चाहते हो तो आप ज़रूर आओ, ठीक है, इतनी अच्छी कंट्री है कनाडा, मेरे को 10 साल हो गए हैं, और भी कई कंट्रियों में रह के आया हूँ, है ना, पर कसम से जो बात कनाडा की है वो किसी कंट्री की नहीं है, ठीक है। जो लोग भी कनाडा आने का प्रोग्राम बना रहे हैं, या जिन्होंने फाइलें लगाई हुई है, जो आ चुके हैं, है ना, तो आपको मैं बता देता हूँ कि ये बेस्ट कंट्री है, ठीक है, आप दिल खोल के यहाँ पे आए,
कोई डर नहीं, किसी ठंड से ना डरे, सर्दी से ना डरे, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। बहुत लोग रहते हैं यहाँ, 4-4.5 करोड़ लोग यहाँ पे कनाडा में रहते हैं, सब ठंड में भी रहते हैं और गर्मी में भी रहते हैं, ठीक है, इसलिए आप बिल्कुल ना डरें, ठीक है। और वही काम यहाँ पे इतना है, हर एक स्टोर के बाहर, हर एक स्टोर, रेस्टोरेंट, गैस स्टेशन, सुपरमार्केट, हर एक जगह यहाँ बंदे चाहिए काम के लिए, हर एक जगह, ठीक है। तो अब कुछ लोग बोलते हैं यार हाउसिंग प्राइस इतने अप हो रहे हैं, इंटरेस्ट रेट बढ़ रहा है, यार नए बंदे को हाउसिंग प्राइस से क्या लेना, रेंट पे रहना है 2-4 साल, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और आपको मैं बताऊं कि जैसे आप रेंट पे भी रहते हो तो कोई बोलता है यार 1500 रेंट है, 1700 रेंट है, अफोर्ड नहीं होता है, भाई सब कुछ हो जाता है अगर आप आते हो, काम करते हो, जॉब करते हो, सब कुछ होने लगता है, ठीक है। जो 4.5 करोड़ लोग यहाँ पे रह रहे हैं और स्टूडेंट रहे अलग से, वो इस गिनती में शामिल नहीं होते, या जो वर्क परमिट पे लोग हैं, सिर्फ सिटीजन और पीआर को गिनते हैं, ठीक है। तो जो 5-5.5 करोड़ बंदा यहाँ पे होगा इस टाइम कनाडा में, वो सभी वो रह भी रहे हैं, रेंट भी भर रहे हैं, अपने घर भी ले रखे हैं, और वही काम भी कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं दोस्तों। तो कोई परवाह ना करो, सब यहाँ हो। ये जितने भी यूट्यूबर आपको बोलते हैं कनाडा ना जाओ अब, कनाडा ना जाओ अब, उनकी ना सुने, ठीक है। तो कनाडा अब भी बहुत सेफ कंट्री है, और फिर भी आप नेट पे चेक करना, पहली 10 कंट्रियों में, पीसफुल कंट्रियों में कनाडा का नाम अब भी आता है, ठीक है, डोंट वरी, तो खुल गया हो, ठीक है। और चलो मैं आपको आज अपना पूरे दिन का जो मैंने किया, जैसे इतना बैड वेदर है, बच्चों के साथ मैंने शॉपिंग भी करी, अपने जो डेली के काम भी करे, ठीक है, सारे काम मैंने किए आज। तो आप देख लो कि कितनी समस्या आती है हमें सुनो से, बल्कि हम इन्जॉय करते हैं, ठीक है गाइज। तो बने रहे और देखिए, और गाइज जिसने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लो, और ट्रैवलिंग कैनेडियन देसी इसको आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो, और फिर मिलते हैं आपसे आगे। और चलो आपको दिखा देते हैं आज का अपने दिन की पूरी दिनचर्या, ठीक है गाइज, ओके, बने रहें।